एक गर्भवती गाय को वध किया जाता है और वध करने के बाद उसके कोख से अजन्मे बछड़े को निकाला जाता है और उसके जीवित रहते हुए उसके हार्ट में नीडल पंचर करके हार्ट से ब्लड को सक किया जाता है, जिस ब्लड को बोला जाता है मेडिकली फीटल बोवाइन सीरम। हर साल अलग अलग वैक्सीन के प्रोडक्शन के लिए करीब 50,000 लीटर फीटल बोवाइन सीरम की आवश्यकता होती है, जिसके लिए करीब 1,20,00,000 अजन्मे बछड़ों को मारा जाता है। लेकिन अभी COVID-19 वैक्सीन के मास डिमांड की वजह से ऐसा माना जा रहा है कि करीब 1 लाख लीटर फीटल बोवाइन सीरम की आवश्यकता होगी। इसका मतलब ये कि अब हर साल लगभग 2,40,00,000 अजन्मे बछड़ों को मारा जाएगा। क्या आप अब भी COVID-19 वैक्सीन का इंतजार कर रहे हैं? अगर आपको राम मंदिर इतना ही है, धर्म इतना ही प्यारा है, तो हमारा धर्म क्यों भ्रष्ट कर रहे हो भाई साहब? गाय का और सुअर का टीका देके हिंदुत्ववाद है ना भाई, तो हिंदुत्ववादी है तो गाय क्यों काटते हैं, क्यों गाय के बछड़ों को मरवा के उसमें से खून निकाल के और उसके बॉडी पार्ट चर्बी निकाल के उसमें वैक्स बना के हमके बॉडी में दे रहे हो? कहाँ है हमारा हिंदुत्ववाद तुम्हारा? सीरम इंस्टीट्यूट से करोड़ों रुपए का चंदा मिला होगा, इनको RTI मिलाना चाहिए।